हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है ट्रेन वॉशिंग कंपैरिजन बिटवीन पाकिस्तान, इंडिया एंड फॉरेन। चलो देखते हैं कि तीनों जगह पे कैसे जो है ट्रेन को धोया जाता है। कई वीडियोस में हमने देखा था, जो उन्होंने कई में मजेदार बनाई हुई थी, एक में तो मोटरसाइकिल के से ट्रेन वॉशिंग हो रही थी। देखते हैं क्या वो ये दिखाएंगे हमें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पानी मार रहे हैं। अरे ऐसे तो हमारी कारें भी वैसी होती है, वैसे ट्रेन हो रही है यहाँ। कार वॉशिंग ऐसी होती है, पूरी ट्रेन को। अरे पूरी ट्रेन चलती जाएगी। वो तो है ही ना, एक टनल बना दी और उसमें वैसे ही एक चलती चलती सारी हो जाएगी। वही ना, एक जगह बस बना दी उसे पास में वॉशिंग। यहाँ कार वॉशिंग भी ऐसी होती है। हमने शायद एक वीडियो बनाई थी कार वॉशिंग, दिखाएंगे वैसी हो रही है। यहाँ पे भी रोलर ही है, वही काम है। ये हो कितना अच्छा है, ये देखा है खोला वाला। टॉप साइड भी हो रही है। अच्छा, मैं पूछने वाली थी कि ऊपर का ऊपर से पानी जो अच्छी तरह धूप रही है। ओह, इंडियन मेट्रो। अरे वाह, मसाजिंग में हो गया। मसाजिंग ट्रेन में करेगा, मैं आगे नहीं जाना। बिल्कुल वही सिस्टम है, फॉरेन जैसा सिस्टम है। पाकिस्तान का मेरे को लगता है मजाक उड़ेगा, मुझे लग रहा है। तो जो मैन्युफैक्चर करता है वो सब कुछ देश अच्छा है। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पूरा आगे से सब कुछ होता है। ये ड्राई हो रही है क्या, हवा से खा रहे हैं क्या? पाकिस्तान का वो ना दिखा दे बाइक से तो। ये ऐसे बनोते हैं, ऐसे धुलती है सच्ची में। तो फ्रेंड्स, इतनी मजेदार वीडियो थी। मेरी खांसी शुरू हो रही है, बड़े मजेदार थी। और मैंने बताया ऐसी मजाक में, मैंने कहा मेरा मूड था, हो रहा था थोड़ा रोस्टिंग करने का। मैंने ऐसी मजाक में वो कोई एक वीडियो मैंने देखी थी कि बाइक से कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू पता चला था कि भैया ये पाकिस्तान की ट्रेन है, उसको कर रहा है बाइक से जो है वो वीडियो, वो पाकिस्तान की है। तो मुझे वो बात याद आ गई जब मैंने ये टाइटल पढ़ा। मैंने तो ऐसे मजाक में बोल दिया, मुझे कोई आइडिया नहीं था। पता नहीं चला कि वो मजाक कर रहे हैं लोग कि एक्चुअल मजाक ही लग रहा है, क्योंकि जो बंदा बाइक चला रहा था, मस्ती कर रहा था, इधर देख रहा था, हंसते खेलते मजे कर रहा था। उनको पैसे देते हैं कि तुमने इस बजे जाएगा, तुम्हारी ये नौकरी है, तुमने बाइक से करना है खड़े होके। पर बड़ा मजेदार था कि अगर सिंगल पावर तो एक बाइक पानी मार रही है, अगर टू पावर तो दो बाइक वाले मार रहे हैं। फिर वो कौन सा था, सिंगल पावर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, वो सब जो था मेरे ख्याल से मजाक था, क्योंकि जब ट्रेन जा रही है तब विंडोज खुली थी, लोग भी कई खड़े हुए थे, उनको पता
नहीं था कि यहाँ से कार वॉशिंग शुरू होती है। सब लोगों को कंप्लेंट होगी कि यहाँ पे हमारा पानी पुनी आ गया, पूरा अंदर चला गया, लोग बैठे थे अंदर, कोई जाग गए, कपड़े भीग गए लोगों के, तो उसका पंगा ट्रेन अंदर से भी धुल गई है किचन के पानी से। जो इंडिया में तो ऑब्वियस था कि सारी इंडिया का तो वॉशिंग की फैसिलिटी होगी, क्योंकि जब भी ट्रेन मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसके साथ मेंटेनेंस के लिए भी सोचते हैं। ऑब्वियसली आप ट्रेन बना रहे हैं, आप सोचेंगे कैसे आप रिपेयर करते हैं, कैसे क्लीन करते हैं, वो तो ऑब्वियस होगा। तो उसी लिए उन्होंने दिखाया है कि रेगुलर ट्रेन्स के लिए भी जो प्रोसेस है क्लीनिंग का, और साथ में जो नई मेट्रो आ रही है उनका भी, तो ऑब्वियसली। और फिर उन्होंने जापान का दिखाया, वो सिमिलर है, क्योंकि जहां तक ट्रेन्स है मेट्रो मेरे ख्याल से जापानीज कोलैबोरेशन से है, तो वो तो सिमिलर ही होगा मेट्रो वाला। और इंडियन ने जो पुरानी वाला किया हुआ था वो भी बहुत अच्छा, मुझे तो वो सबसे अच्छा, वेरी नाइस। और उन्होंने वहां पे देखा था कि कहां ज्यादा गंदगी होती है, तो वहां पे ज्यादा कम, वहां पे सेपरेट ब्रशेस थे कि इस एरिया पे ये होगा, इस एरिया पे यहाँ पे एक होगा, तो वो एक यहाँ पे रोटेट करके वो सारे पैच को, जैसे ट्रेन चलती जाएगी वो पूरा कर रहा है, एक नीचे को सारा कर रहा है, और कितना अच्छा मूव हो रहा था, जैसे आप हाथ से वॉश करते हो ना ऐसे से रगड़ के, बिल्कुल वैसी उसकी मूवमेंट थी, राइट। और दूसरा जो है भी अच्छा था, छत को भी कर रहा था। और एक समय पर ऐसा होगा कि एयरप्लेन सस्ते हो जाएंगे और ट्रेन्स महंगी हो जाएंगी, क्योंकि जैसे यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि ट्रेन्स में आपको सुविधा ज्यादा मिलती है, आपको पैसा ज्यादा लगेगा सुविधा के लिए कि आप जा रहे हैं, आप आराम से सो सकते हैं, आराम से लेट सकते हैं, घूम सकते हैं, आप नहा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं बिंदास, वो ठीक है, आपको समय लग रहा है जाने का, मगर आपकी लाइफ कंफर्टेबल है। आप एक होटल के रूम में जा रहे हैं, समझ लीजिए आप, अगर आप थोड़ा एसी पेसी ले लेते हैं, वो ले लेते हैं जहां पे अपना कैबिन हो, तो आप होटल में चले गए, मस्ती कर जा रहे हो, उसका पैसा ज्यादा लगेगा। इंस्टेड आप एयरप्लेन में जाएं तो पहले तो एयरपोर्ट में खज्जल हो आप, वहां पे सामान लेके जा रहे हैं, चेक इन हो रही है, लाइनों में लग रहे हैं, सिक्योरिटी क्रॉस हो रही है, फिर अंदर घुस रहे हैं और बैठ भी रहे हैं छोटी सी सीट में, आगे पैर रखने की जगह नहीं है, दो तीन घंटे की फ्लाइट हुई, फिर जा रहा काम करो, वापस निकालो सामान, एयर टैक्सी करो, अपने घर जाओ, तो वो सारा जो झंझट है उसकी वजह से इवेंचुअली ये होगा कि एयरप्लेन सस्ते हो जाएंगे और ट्रेन महंगी हो जाएगी। और दूसरा, जब ऐसा होगा तो ट्रेन का यूजेज कम हो जाएगा। मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की बात आ रहा हूं, जो कम्यूटर ट्रेन है वो तो ठीक है, वो तो बड़ी सिटी है, लोगों ने रोज आना जाना है, वो ट्रेन में जाएंगे, मगर जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है वो खत्म हो जाएंगी, उनको रिप्लेस कर देगा एयरप्लेन। या कोई मस्ती के लिए जाना चाहे तो ठीक है, लंबे के लिए चले ट्रेन की सवारी के लिए, मजे लेने के लिए, वाह वो भी तो होगा। यहाँ पे तो होता ही है, ट्रेन पे कोई नहीं जाता, सब प्लेन से ही जाते हैं। यहाँ पर हमने तो कभी ट्रेन से कभी ट्रैवल भी नहीं किया सच, कभी जो दूसरी होती है मतलब कम्यूटर की है, बट लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, क्योंकि प्लेन हमेशा सस्ते होते हैं उनके टिकट्स। पर ये वीडियो बड़ा क्लासिकल था, इतने सीरियस नोट पे चला कि सब सीरियसली हम लोग देख रहे थे, अच्छा फॉरेन में ऐसे होता है, और फिर इंडिया का है, अरे वाह इंडिया का तो बड़ा ही कमाल का है, अलग अलग मतलब मेट्रो के लिए ऐसा सिस्टम है और दूसरी ट्रेनों के लिए ऐसा सिस्टम है, वो देखा तो अभी अब तब लग रहा था अच्छा पाकिस्तान में भी क्या ऐसा आ गया है। और जैसे ही उन्होंने बाइक दिखाई मैंने कहा ये तो वही वाला है, और उसमें बताया भी बहुत अच्छा कि सिंगल पावर वॉश कैसी होती है, डबल पावर वॉश कैसी होती है, और सिंगल लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ही कमाल की एक्सप्लेनेशन थी। इतना मजेदार वीडियो मैंने आप पहले कभी नहीं देखा, मजा ही आ गया, बहुत ही अच्छा बनाया इन्होंने। तो चलो फ्रेंड्स चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।